हेलो गाइज, स्टार्ट करते अपना वीडियो। हाइकल के बारे में हम बात करने वाले हैं, पर उसके पहले एक छोटा सा अपडेट। हमने मेंबरशिप के कॉल में तीन अपने जो चार्ट ऑफ द वीक थे उनके टारगेट अचीव हो चुके हैं, दो के पेंडिंग बाकी, अभी वो भी हम कवर करेंगे बाद में। पर जो हमने पोजीशन ली है, होल्ड करके रखा है, उसका रिजल्ट आएगा। मैं उसका प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा अभी शाम को, रिजल्ट आएंगे तब। अभी हम बात करेंगे हाइकल के बारे में। देखो, हाइकल में 1 महीने पहले बोला था मैंने, अगर इसका काम दिखा तो ये अभी पेनी शेयर है, मौका देखो और दाव लगा दो, क्योंकि ये शेयर मुझे इतना कॉन्फिडेंट था मैं इसके ऊपर कि ये बहुत भागेगा। और बहुत बढ़िया बात है, 1.5K व्यूज आए इसको। हमारा चैनल भी बहुत छोटा है और 1.5K व्यूज आने का मतलब जिन्होंने देखा वीडियो, देख के जिन्होंने भी लिया होगा वो बहुत तगड़ा प्रॉफिट में, क्योंकि हमने रिकमेंड किया था 250 के आसपास और शेयर आज है 502 के आसपास। तो बहुत बढ़िया मूव दी हाइकल ने। अभी आज के दिन की अगर हम बात करें तो देखो, हाइकल ने आज अभी 20% अपर सर्किट हो गया, इसका अपर सर्किट लिमिट 20% हो गया। बीच में ये थोड़ा सा नीचे आया था, लोग डर गए थे, पर फिर उसके बाद कंटिन्यू 4 दिनों से अपर सर्किट पे ही लग रहा है। आज 20% कर दिया था इसलिए नहीं लगा, पर फिर भी इसमें वॉल्यूम बहुत बढ़िया और आज 503 पे ये आ चुका है। अभी कंपनी पे देखो, कंपनी पे फ्रेश एंट्री लेना मतलब सुसाइड करना है, पर कंपनी अच्छी है अभी, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने इस पे 380 का टारगेट दिया था। 380 का टारगेट इसने 8 मई को दिया था, ठीक है, ये अभी 500 पे चल रहा है, तो 380 से भी बहुत ऊपर शेयर अभी भाग चुका है, क्योंकि इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था। रिजल्ट अगर देखने जाए तो Q4 का रेवेन्यू ग्रो हुआ था इनका 40.50% YOY टू 533 करोड़। ट्रैकिंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अक्रॉस ब्रोथ सेगमेंट। फार्मा पोस्टेड 31.5 YOY ग्रोथ, इनका जो फार्मा का जो सेक्शन है उसमें 31% ग्रोथ मतलब 298 करोड़ का इनको ग्रोथ हुआ है। और जो क्रॉप प्रोटेक्शन है उसमें 53.8% YOY मतलब 235 करोड़। तो फार्मा सेक्टर में भी है, क्रॉप प्रोटेक्शन में भी है, ये कंपनी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। एबिटा मार्जिन इनका एक्सपांड हुआ था 188 YOY, 81 BPS क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू 20.50%। लोअर स्टाफ एक्सपेंसेस स्टीमिंग फ्रॉम बेटर ऑपरेशनल लीवरेज। सब्सिक्वेंटली एबिटा ग्रू 54.7% YOY टू 109 करोड़। तो कंपनी ने जो रिजल्ट दिए थे उनके बेसिस पे आईसीआईसीआई ने इनके टारगेट 380 दिए थे, पर अभी ये 502 हो गया है, इसमें एंट्री लेना बिल्कुल खतरनाक है। अगर कंपनी के फंडामेंटल देखा जाए तो कंपनी बहुत बढ़िया है। पहले मैं आपको कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, क्योंकि मैंने क्यों बोला था बाय करने। देखो, हाइकल का काम देखो, पहले स्पेशलिटी केमिकल, क्रॉप प्रोटेक्शन, फार्मास्यूटिकल, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी R&D, तो ये चार बिजनेस मतलब बहुत सबसे बेस्ट बिजनेस चल रहे हैं फिलहाल। फार्मास्यूटिकल में देख सकते हो टॉप, ये जो टैबलेट्स, क्रॉप प्रोटेक्शन में इनके जो फर्टिलाइजर्स आते हैं उनमें भी है, स्पेशलिटी केमिकल में भी और R&D रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में भी ये है। तो कंपनी बहुत बढ़िया है। और कंपनी के मेन प्लांट्स कहाँ पे है, देखो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र का जो लॉकडाउन हट गया अभी तो उसका इनडायरेक्टली बेनिफिशियल हाइकल ही है, और हाइकल को भी इसका फायदा होने ही वाला है। इसलिए ये आज के दिन में भी इसका मतलब सर्किट रिवीजन होके भी ये शेयर बहुत ऊपर की तरफ बढ़ा है। फंडामेंटली कंपनी काफी बड़ी है, 5,458 करोड़ की मार्केट कैप, स्टॉक का P/41 का है, तो वो भी अभी ये वैल्यू जस्टिफाई करता है, क्योंकि ये हमने रिकमेंड करने से दुगना हो चुका है। तो अभी 502 पे तो 41 का पी ये ठीक है, फेस वैल्यू 2 की है। क्रॉप प्रोटेक्शन स्पेशलिटी केमिकल नर्सर, द कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग रिसर्च सर्विसेज। इनके प्लांट कहाँ पे है, तलोजा महाड़ महाराष्ट्र में, रायगढ़ नहीं, जयगनी बेंगलुरु, पनोली गुजरात। गुजरात में भी 100% अभी वो ये जो है लोगों को आने के लिए अलाउ किया है कंपनी स्टार्ट करने के लिए, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी कर्जा कम कर रही है, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, 26.44 के CAGR से ग्रो कर रही है लास्ट 5 ईयर से, तो ये भी कंपनी के पॉजिटिव में जाता है। मार्केट कैप कम है इसलिए कंपनी लास्ट नंबर पे 8 नंबर पे, पर ये मार्केट कैप इनकी इंक्रीज होगी, सिक्वेंट साइंटिफिक के ऊपर जाने का पोटेंशियल ये रखती है।
और कंपनी ने ऐसे ही रिजल्ट दिए तो मैं बोलूंगा आरती ड्रग्स को भी ये आराम से बीट कर देगी। याद रखो, आरती ड्रग्स को भी ये कंपनी आराम से बीट करने को रेडी है। सेल्स कंटिन्यू इंक्रीजिंग में दिख रहे हैं। मार्च में तो देखो 463 ट्रक हमने कवर किया था दिसंबर क्वार्टर का, मार्च 2020 में 532 हो गया। तो सेल्स में आपको बहुत बढ़िया ग्रोथ दिख रही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने 91 करोड़ पे कवर किया था, 53 से 70, फिर 91 और अभी 109। ये भी आपको ग्रोथ ही दिखेगी, बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखेगी। अगर हम बैलेंस शीट की बात करेंगे, रिजर्व 909 करोड़, रिजर्व इंक्रीज हो गए और उसके सामने कर्जा कम हो गया, 646 से 515 हो गया कर्जा। तो यहाँ भी कर्जा कम हो गया कंपनी का। शेयर होल्डिंग पैटर्न 68.77% प्रमोटर के पास। यहाँ देखो FIIs ने अपना स्टेक होल्ड किया है, FIIs ने 1% खरीदा है, DIIs ने 0.10% बेचा और पब्लिक के पास 24.73% है। तो कंपनी का अगर मैं ऑल एंड ओवरऑल फंडामेंटल देखता हूँ तो वो मुझे बहुत बढ़िया दिख रहा। जहाँ FIIs खरीद रहे, प्रमोटर अपना स्टेक बिल्कुल भी कम नहीं करने को तैयार। 68.77, 2018 से उन्होंने ना 1% बेचा ना 1% खरीदा, तो प्रमोटर अपना स्टेक बिल्कुल होल्ड कर रहे। बाइंग सेलिंग FIIs DIIs ही कर रहे, FIIs खरीदे जा रहे, DIIs सेलिंग करते जा रहे, पर फिर भी जीरो नहीं किया है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने होल्ड रखा है। अगर आज के दिन में हम बात करते NSE पे, तो देखो 502 पे 717 क्वांटिटी बाइंग के लिए लगी है और टोटल 32% शेयर्स डिलीवरी में उठाए जाते हैं। मतलब 37 लाख शेयर ट्रेड होते हैं, उसमें से 12 लाख शेयर डिलीवरी में उठाए जाते हैं, जो कि मैं कहूंगा अभी ये कंडीशन पे जहां शेयर इतने खतरनाक बढ़ गया है फिर भी 32% डिलीवरी है, तो मैं अच्छा ही कहूंगा। क्योंकि रिस्क लेती, रिस्क तो कोई भी ले लेगा, पर उसकी मतलब कैपेसिटी चाहिए उतनी कि हाँ इसमें पोटेंशियल है और ऊपर जाएगा। तो ये भी डिलीवरी मुझे अच्छी लग रही। अगर चार्ट चेक हम लेते हैं तो देखो डेली चार्ट तो बहुत भारी है, पर वीकली चार्ट, वन डे का चार्ट देखते हैं। वन डे के चार्ट पे अभी अगर एंट्री किसी ने ले भी ली, किसी ने रिस्क करके एंट्री ले ली, मैं तो कहूंगा मत लो, बहुत खतरनाक अभी मार पड़ेगी। पर 430 का स्टॉप लॉस बैठेगा, 430 का स्टॉप लॉस मतलब 70 पॉइंट की रिस्क लेनी पड़ेगी आपको, और ऊपर के टारगेट तो अनलिमिटेड, क्योंकि चार्ट आपको पूरा ऊपर की तरफ दिखेगा, अचानक से ऊपर की तरफ गया है। देखो मंथली चार्ट भी देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था, बहुत छोटा शेयर था ये, पर अभी इसने ब्रेकआउट दे दिया है, इसको कूल ऑफ होने दीजिए। कूल ऑफ होने के बाद, सॉरी, अगर मार्केट के गिरावट में 300 के आसपास मिला, गलती से 300 के आसपास मिला, तो हम इसमें फ्रेश एंट्री का सोचेंगे। अभी इसमें फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। जिन्होंने लेके रखा है उनके लिए मैंने स्टॉप लॉस बताया कि आपको 439 की लेवल देखनी है। अगर शेयर 550 जाता है, 550 जाता है तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 482। तो स्टॉप लॉस ऊपर लेके आने का है, आपको बेचना नहीं है जिन्होंने लेके रखा है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस हाइकल पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड एंड टेक केयर।